विंध्य क्षेत्र के पहल बघेली शाल में हम पूजा अपना पंचायत से बजाने का प्रारंभ करते और फटाफट नजर डाले थे क्षेत्र के प्रमुख खबरन में। सतना में महिलन के हल्ला बोल कोठी शराब के दुकान में डालिन ताला, धरने में बैठी महिला सड़क में कहीं निकलब हो गया है मुश्किल। चित्रकूट मार्ग स्थित कोठी कस्बा में शराब बिक्री के खिलाफ महिलन के फूटा गुस्सा। कंपोजिट शराब दुकान के खिलाफ सड़कन में उतरी महिला, मौके में पहुंचे थाना प्रभारी, नगर पंचायत अध्यक्ष के आश्वासन के बाद शांत भा मामला। पंचायत राज मंत्री राम खेलावन पटेल के गृह क्षेत्र अमरपाटन में सड़क अभाव के कारण युवक के गए जान, खटिया में पहुड़ाई के 2 किलोमीटर पैदल सफर करके एम्बुलेंस तक पहुंचे ग्रामीण, अस्पताल में पहुंचे में देरी हुई के कारण युवक के कहे जान। मैहर स्थित आहलूवालिया समूह के केजीएस सीमेंट फैक्ट्री के श्रमिक नेता के हत्या जानलेवा हमला में गंभीर रूप से घायल हो गए हैं नेता। जबलपुर में समीर सांस 19 सितंबर का रात करीब 9:45 बजे बाईपास के लगे अज्ञात हमलावर लाठी डंडा से मार के कई दे रहे हैं अधमरा। ऊर्जाधानी सेगरौली के पहाड़न के अस्तित्व तो खतरा में, अवैध तरीका से निकाला जा लाहमा पथरा। हैवी ब्लास्टिंग से पहाड़ी इलाकन में बसे आदिवासी में 10 से 2 दर्जन से अधिक पहाड़न के मिट चुका है अब तक नामो निशान। महान के जंगलन के हवे बुरा हाल, गांवन में बिना लीज और पर्यावरण विभाग के स्वीकृति के निकाले जा लाहमा अवैध तरीका से पत्थर। सीधी के सिमरिया थाना क्षेत्र के बढ़ौरा निवासी किशोरी अज्ञात कारणन से करीन खुदकुशी, रिश्तेदारी मगे रहे परिजन, पोस्टमार्टम खातिर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिमरिया में पहुंचावा गया शव, पुलिस जांच में जुटी कारण अज्ञात। सीधी में मानवता भय शर्मसार, दुई गांव के सीमा में 8 महीना के नवजात के शव भा बरामद, मचा हड़कंप। रामपुर नैकिन और चुराहट थाना के सीमा में स्थित नाला में मिला नवजात शिशु के शव। सीधी जिले के सिहावल विधानसभा क्षेत्र के ग्राम हिनौती में बारिश के कारण ढहा घर, अनाज सहित गृहस्थी के सामान भा खराब। सिहावल विधायक और पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल मौके में पहुंच के तत्काल सहायता राशि देवावे खातिर दिन जरूरी दिशा निर्देश। रीवा में चाकू लहरावत कार सवार बदमाश का कीन का गिरफ्तार, दहशत फैलावे के उद्देश्य से दिन दहाड़े सरेआम लहरावत रहा चाकू, वीडियो हो रहा है वायरल, पुलिस आरोपी का करें गिरफ्तार, जांच में जुटी। 3 दिनों तक मोबाइल टावर में फंसा रहा बंदर, रेस्क्यू अभियान चलाए के बचाई गई जान। रीवा जिला के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के गुड़ चौक स्थित मोबाइल टावर में बीते 3 दिन से टिकी रही लोगन की निगाह, 2 घंटे तक रेस्क्यू अभियान चलावा गया जिसके बाद बंदर का सुरक्षित टावर से नीचे उतारा गया। शहडोल कलेक्टर लंपी वायरस के रोकथाम खातिर जारी करीन आदेश, सीमावर्ती जिलन से पशुअन के परिवहन में लगाइन रोक। कलेक्टर वंदना बैद लंपी बीमारी के दौरान पशुअन के लक्षण और उपचार खातिर दिन जरूरी दिशा निर्देश। फिर हाजिर हो क्षेत्र के प्रमुख खबरन के लिए, तब तक खातिर दे इजाजत, आप और अपने परिवार के रखे ख्याल, प्रणाम।